गाइज लास्ट ईयर सैमसंग ने गैलेक्सी A52 और A72 दोनों ही स्मार्टफोन को एक साथ एक ही दिन लॉन्च किया था और इस साल सैमसंग इनके सक्सेसर गैलेक्सी A53 5G और गैलेक्सी A73 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि चिप शॉर्टेज होने की वजह से इन दोनों ही स्मार्टफोन का लॉन्च हमें आगे पीछे देखने को मिलेगा। गैलेक्सी A53 5G इंडिया में पहले लॉन्च हो जाएगा और उसके थोड़े दिन बाद में हमें गैलेक्सी A73 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस देखने को मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैलेक्सी A53 5G के बारे में। तो रिसेंटली ही इसका ऑफिशियल लुक और कुछ 3D इमेजेस निकलकर सामने आ चुके हैं, जहां पर से अब इसका लुक और डिजाइन 100% कंफर्म हो चुका है और इस स्मार्टफोन को ऑलरेडी सभी सर्टिफिकेशन साइट पर भी लिस्ट किया जा चुका है। इवन इस स्मार्टफोन का जो सपोर्ट पेज है वो भी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव आ चुका है। और रिसेंटली इस स्मार्टफोन को FCC सर्टिफिकेशन पर भी स्पॉट किया है, जहां पर से इसके ट्रैवल एडेप्टर यानी कि चार्जर की डिटेल्स अब कंफर्म हो चुकी हैं। इस बार ये स्मार्टफोन 25 वाट के फास्ट एडेप्टर के साथ आएगा, जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है सैमसंग यूजर्स के लिए। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ में क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, एक्सोनोस 1200 प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP67 रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन Android 12 पर रन करेगा, जो कि बेस्ड होगा सैमसंग के UI 4.0 पर। तो गाइज ये सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन्स में मिलने वाले हैं। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो इस स्मार्टफोन का लॉन्च गाइस हमें फरवरी एंड या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। और इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 6GB प्लस 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस हमें 28,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। वहीं अब बात करते हैं गैलेक्सी A73 5G के बारे में। तो इसको रिसेंटली ही इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट किया गया है और BIS पर लिस्ट करने के बाद में ऑलमोस्ट 1.5 महीना लगता है किसी भी स्मार्टफोन्स को लॉन्च होने के लिए। वहीं एक टिप्स्टर ने दावा किया है कि ग्लोबली चिप शॉर्टेज होने की वजह से गैलेक्सी A73 5G का लॉन्च हमें गैलेक्सी A53 5G के लॉन्च के ठीक 1 महीने के बाद देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि गैलेक्सी A73 5G का लॉन्च हमें इंडिया में अप्रैल के मिड तक देखने को मिल जाएगा और इसके बेस वेरिएंट की प्राइस 35,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। तो गाइस काफी जल्दी ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। बाकी जैसे ही कोई भी कंफर्म डिटेल्स निकलकर सामने आती है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के लॉन्च को लेकर, वो मैं आप तक जो है जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी गाइस आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।